प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी काला के निर्देशन में विकासखंड नारायणबगड़ के पैठाणी गांव में दो दिवसीय प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 40 किसानों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर काला द्वारा बीजामृत जीवामृत बीजों के उपचार को स्थानीय संसाधनों से किए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रधान मृत्युंजय परिहार सहित 40 किसानों द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग लिया। मृत्युंजय परिहार ग्राम पंचायत पैठानी का ग्राम प्रधान हूँ अभी वर्तमान में, और कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर कालत जी द्वारा जो दिवसीय जो परीक्षण चल रहा है, कल उनने जीवामृत के बारे में बताया था, आज वे बीजामृत और ये वापसा और अन्य जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया, और जो समूह के सभी जो सदस्य हैं उनसे यहाँ पर जो गाय नहीं खा पाती जो घास हैं उनको सारे थोड़े दो दो तीन तीन सौ ग्राम लाए हुए और यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में सभी जो परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको एक मैसेज जाएगा और अच्छा फसल उगाएंगे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गंभीर सिंह परिहार है, मैं ग्राम पैठानी विकासखंड नारायणनगर जिला चमोली का मूल निवासी हूँ, और हमें यहाँ पे केवीके ग्वालम के जो डॉक्टर साहब हैं डीसी काला और उन नोडल अधिकारी हैं जो प्राकृतिक खेती के द्वारा, उनके द्वारा दो दिवसीय यहाँ पे गांव में प्रशिक्षण कराया गया। उसमें प्राकृतिक खेती के बारे में जो हम खाद कैसे यूज करते थे, उसमें बीजामृत जीवामृत अग्नियास्त ब्रह्मास्त सप्त धानांकुर के बारे में बताया गया, इनके क्या फायदे होंगे हमें वो बताया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक हम भी नॉर्मल प्राकृतिक खेती करते थे, उसमें हमें पता नहीं था हम कैसे करें क्या करें, नॉर्मल हल लगाया या बीज फेंके नॉर्मल प्रोडक्शन करते थे। अब आने वाले टाइम पे हम अपने जो अगली फसल होगी उसमें इसका उपयोग करेंगे, और मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसमें जो खर्चा है जीरो कॉस्ट है, बिल्कुल खर्चा नहीं है। मैं केपीके ग्वालम में जीवी पंत किस विद्यावदल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आरती देवी, मैं ग्राम पैठानी से यहाँ पर ग्वालदम कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम से आए हुए हमारे नोडल अधिकारी डीसी काला ने हमें प्राकृतिक कृषि पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने जीवामृत बीजामृत और घन जीवामृत के बारे में बताया और यहाँ पर बनाया भी है। मेरा नाम श्रीमती चंपा देवी है और मैं ग्राम पैठानी से, और हमारे ग्राम सभा पैठानी में दो दिवसीय ग्वालदम से आए हुए हमारे डॉक्टर साहब कृषि विज्ञान केंद्र से, उन्होंने हमें कृषि विज्ञान के और हमारी फसल के बारे में दो दिवसीय उसमें जानकारी दी और प्रैक्टिकल किया। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम द्वारा आज दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने पैठाणी ग्राम में संपन्न किया। पैठाणी ग्राम में 40 कृषकों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, और इस कार्यक्रम के तहत हमने प्राकृतिक खेती के विषय में किसानों को बताया, एवं प्राकृतिक खेती के जो अवयव हैं जैसे बीजामृत जीवामृत घन जीवामृत सप्तधान्यांकुर और अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र आदि जो अवयव प्राकृतिक खेती के हैं, उनके विषय में यहाँ के कृषकों ने स्वयं उनका स्थानीय संसाधनों से निर्माण किया और स्वयं निर्माण करके उनका खेतों में प्रयोग भी किया। कृषकों द्वारा इस कार्यक्रम में बहुत दिलचस्पी दिखाई गई, जो बहुत ही सराहनीय।